अस्सलामु अलैकुम। अरे इकबाल भाई क्या ढूंढ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यार चप्पलें नहीं मिल रही, यही रखी थी। इसका मतलब है आपकी भी गई? आपकी भी गई का मतलब आपकी भी नहीं मिल रही क्या? अरे नहीं नहीं, मेरी तो ये पड़ी हुई। चल मैं कुछ दिनों से यहाँ चप्पलें चोरी हो रही हैं, न जाने कौन कमबख्त अल्लाह के घर को भी नहीं बख्श रहा। अरे भाई अल्लाह के घर का लिहाज कौन करता है? वो स्टिकर देख रहे हैं आप, उस पे लिखा है अल्लाह देख रहा है। चोरी करने वाले ने जब अल्लाह का लिहाज नहीं किया तो उसके घर का लिहाज क्या करेगा? सही कह रहे हैं आप। ये शायद स्टिकर भी किसी ने इसी वजह से लगाया है कि चोरी करने वाले को कुछ शर्म गैरत आई है। लेकिन नहीं भाई, लोगों ने पता नहीं क्यों समझ लिया कि उन्होंने मरना ही नहीं। आप एक काम करें, किसी की पुरानी चप्पल पहनचें फिर वापस ला के रख जाइएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को कॉल कर रहा हूँ, वो घर से कोई दूसरी चप्पल ले आएगा। चलें मैं चलता हूँ, अल्लाह पाक उन चोरों को हिदायत दे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मशरूफ है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मशरूफ है। अरे तुम तो जॉब शुरू करने वाले थे। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि पहले एक दो साल किसी अच्छी कंपनी में जॉब एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ, लेकिन पापा ही पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके बिजनेस में हेल्प कर पाऊँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा एक सेकंड होल्ड करो। कहाँ चले गए भाई? क्या हो गया? पापा आपको कब से फोन कर रहे हैं, आपका नंबर कंटिन्यूअसली बिजी जा रहा है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है। उनकी चप्पल कोई मस्जिद से चुरा कर ले गया है, जाएं उन्हें जाकर चप्पल देकर आएं। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेलो। अरे यार वो कुछ नहीं, पापा की मस्जिद से चप्पलें चोरी हो गई। यहाँ पाकिस्तान में रोज यही मसला है, मस्जिदों से चप्पलें चोरी होती रहती है। यूएस में ऐसा नहीं होता। दानियाल तुम्हारे तो काम ही खत्म नहीं होते। अच्छा बाबा नाराज ना हो, मैं करता हूँ ना तुमसे थोड़ी देर में बात। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये ले पापा चप्पलें। इतनी देर लगा दी? यहाँ चप्पलें छोड़ने की क्या जरूरत है, अपने आगे रखे नमाज पढ़ा करें ना। क्या पता भाई इस तरह नमाज होती भी है नहीं। हाँ चप्पलें आगे रखने से नमाज हो या ना हो, पीछे रखने से चप्पलें नहीं होती। यार आप तो चुप ही करें। आपको इतनी तौफीक तो होती नहीं है कि कम से कम फर्जी पढ़ लें, हमें नसीहतें कर रहे हैं। कहाँ घर चलना? ऑफिस चलो। तो आप एक काम करें ना, गाड़ी आप ले जाएं, मुझे घर छोड़ दें। आप फिजूल बातें मत करें, ऑफिस चलें। आप यूएसए से एमबीए इसलिए नहीं करके आए कि घर पे बैठ के वक्त जाया करें। लेकिन पापा। शट अप, चलो ऑफिस चलो। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कामी भाई? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। अच्छा वो माल का क्या हुआ? इकबाल भाई कल तक चार ट्रक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी को? बाकी को अभी दो से तीन दिन और लगेंगे। कामी भाई रमजान शुरू होने में सिर्फ एक महीना रह गया है, इस तरह से तो हम कैसे सप्लाई करेंगे? जी इकबाल भाई मैं इनको एक कॉल और कर लेता हूँ आज। ठीक है। और वो चौधरी वालों ने चेक भेजा क्या? जी हाँ भिजवा दिया है और मैंने अकाउंट में जमा भी करवा दिया। गुड गुड वेरी गुड भाई वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई बैठे,
कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह करम, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। कैसे आना हुआ? भाई मैंने सोचा मालूम तो करूं, सुना है मार्केट में सबसे ज्यादा माल आप ही ने मंगवा लिया है। खैरियत तो है कि सारा फ्रूट आप ही बेच लेंगे? बेटा 3 दूध पत्ती फर्स्ट क्लास, जल्दी से जरा फटाफट फटाफट। अरे नहीं असद भाई, एक यही महीना तो है कमाई का। हाजी साहब, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। आप जैसे नेक लोगों के लिए तो ये महीना खैर और बरकत और इबादत के लिए होना चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इबादत का तो है ही, और इंशाल्लाह ताला इस महीने की बरकतें हम दोनों हाथों से समेटेंगे। और बेटा क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं अंकल, बस अभी MBA के बाद से फ्री हूँ। भाई फ्री क्यों हो? पापा का बिजनेस में हाथ बटाओ। असद भाई यही इनको समझाता रहता हूँ, बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं साहबजादे। शाबाश बेटा शाबाश। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा रोजा है, कामी भाई को दे दो। हाजी साहब अभी से रोजे? भाई अल्लाह का शुक्र है, अपने तो पूरे शाबान रोजे चलते हैं। बेटा आ गए तुम? अरे मम्मा आप आ गई, खाला नहीं है साथ? नहीं, खाला की तबीयत सही नहीं थी। क्यों, क्या हुआ खाला? वैसा तो ठीक है, बस ऐसी चक्कर वक्कर आ रहे थे। ये बताओ पापा क्यों नहीं आए? नहीं मम्मा, वो थोड़े लेट हो जाएंगे। तो बेटा तुम क्यों आ गए? उन्हीं के साथ आते ना। तुम्हारे पापा ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, अब उन्हें आराम की जरूरत है। दरअसल बेटा अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है, ऑफिस के कामों में उनका हाथ बटाया करो। अम्मा मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाता। देखिए बिजनेस का मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा है एक्चुअली वो है ही नहीं जो मुझे पापा की बातें सुनकर नज़र आता है। देखें हमने किताबों में जो पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि कस्टमर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करोगे उतना ही फ़ायदा हो, लेकिन यहाँ तो बिज़नेस का मतलब ही कुछ और है। हर आदमी खून चूसने में लगा हुआ है। देखें जो 6 आइटम्स बेचकर हमें प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो यहाँ पर हर आदमी 1 आइटम बेचकर प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ है। ये नहीं सोचते कि प्रॉफिट मार्जिन कम करने से सेल बढ़ती है, पैसा सर्कुलेट होता है और सेल बढ़ने से फिर इजाफा होता है। बेटा उनका 30 साल का तजुर्बा है, 4 किताबें पढ़ के उनसे ज्यादा तजुर्बा तुम्हारा कैसे हो सकता है? बेटा मैं तो कहती हूँ जो तुम्हारे पापा कहते हैं ना उनकी बात सुना करो और वैसा ही किया करो, देखना एक दिन वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि उनका इतने सालों का तजुर्बा गलत नहीं है। अम्मा मुझे उनके तजुर्बे से नहीं उनके तरीके से प्रॉब्लम। बेटा मैं तो फिर भी तुमसे यही कहूंगी कि जैसा तुम्हारे पापा कहते हैं ना वैसा ही किया करो। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बता तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं भूख तो नहीं लग रही, लेकिन एक ग्लास जूस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। थैंक्स। भाई। हेलो प्रिंसेस। हेलो, कॉफी? थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे किन सोचों में गुम है आप? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही जिंदगी के पिछले 4-5 साल जो पढ़ा लिखा यहाँ पर आकर सब मैसअप होता हुआ नजर आ रहा। आइडिया है मुझे, आप पाकिस्तानी कल्चर में और US के कल्चर में कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? नाइस कॉफी। थैंक्स। वैसे भाई आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच ना बहुत नेगेटिव है। एक बात बताऊं, जब मैं नया नया कैलिफोर्निया गया था ना तो मुझे कोरो से बहुत चिढ़ थी। एक दिन मैंने सोचा कि जब मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा ना तो सामने से आने वाले हर गोरे को मैं कंधा मारूंगा, और पता है मैंने ऐसे ही किया। सीरियसली? जी सीरियसली, कम से कम मैंने 10 से 11 लोगों के साथ ऐसे ही किया, मगर उस दिन के बाद से मेरी नजर में इनकी इज्जत और भी बढ़ गई। कैसे? जिन 10 से 11 लोगों को मैंने जानबूझकर कंधा मारा ना उनमें से किसी एक ने भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया।
उन सब लोगों के मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकला था ना, वो था सॉरी। मतलब ये फैसला भी बात पर रख दिया कि गलती थी किसकी, पहले माजरत की। कोई एक आध आदमी होगा जिसने कहा था कि सॉरी भाई गलती मेरी नहीं थी। मतलब 100% लोगों ने ना अपनी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे सॉरी कहा। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और हमारे यहाँ लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि अपनी गलती होने के बावजूद भी माफी मांगना तौहीन समझते हैं। या राइट। आप वो किसी राइटर ने कहा है ना कि मैंने मगरब में इस्लाम को देखा और मशरक में मुसलमान को। इस्लाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इंसान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सच बताऊं, अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना, तो कुछ भी कर लो हम एक अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। राइट। चलें, अब इसी बात पे मेरा एक असाइनमेंट है, उसमें मेरी हेल्प कर दें। अच्छा, तो ये कॉफी की रिश्वत इसलिए दी गई? नहीं भाई, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प करा देना। अच्छा, तो मैंने मना कब किया? चलो भाई, करवा देते हैं। ये क्या कर रहे हो? पापा, ये जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से एक टिंका भी चोरी नहीं हो। चलो फिर इससे फारिग होके कम से कम असर की नमाज सौदा कर लो। अच्छा, मैं जरा ये थोड़ा सा काम करवा लूँ ना, फिर मैं आता हूँ, आप चलें। हाँ ठीक है, आ जाओ। दानियाल भाई, आपको यकीन है इस खराब कैमरे से कोई फायदा होगा? ये कैमरा खराब है ये मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन उस चोर को तो नहीं पता। जरूरी ये नहीं कि कैमरे की आंख उसे देख रही है, जरूरी ये है कि उस चोर की आंखें कैमरे को देख रही हैं। बहुत शुक्रिया। अरे फुरकान भाई, गवर्नमेंट ने 120 रुपए का रिटेल फिक्स किया है, एक मन पे 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर 200 रुपए खर्चा भी लगा लेते हैं तो फी मन 1000 रुपए की बचत हो रही है। हाँ अच्छा, एक मिनट, कितना? एक मिनट भाई। हाँ कितना? अच्छा 80 मन। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। अरे नहीं, आज चांद होने के चांसेस नहीं है बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें जी। ओके, अल्लाह हाफिज। पापा ये क्या, हम अगर सारे खर्चे भी लगा लें तो ये माल हमें 3 रुपए किलो से ज्यादा का नहीं पड़ रहा, और हम उसे 90 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा। हाँ बेटा, तो होलसेल मार्केट के रेट से ज्यादा तो नहीं बेच रहे? पापा पूरी दुनिया में उनके जितने भी मजहबी त्यौहार आते हैं वहाँ पर चीज़ें आम दिनों से भी सस्ती हो जाती हैं, और कुछ चीज़ों पर तो 80% तक डिस्काउंट हो जाता है, और हम यहाँ रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में 30 रुपए की चीज़ 90 रुपए की बेच रहे हैं। तो क्या करें, फ्री में बांट दें? पापा हम अगर अपने रेट सादे कर दें तो सोचें सेल कितनी बढ़ जाएगी। और प्रॉफिट जो कम होगा? तो नुकसान तो नहीं होगा ना। ओ भाई, तूने ऐसी कौन सी बिजनेस की पढ़ाई पढ़ ली है जो अपना मुनाफा कम कर रही है? पापा मैंने जो सीखा और पढ़ा है उसमें हम सिर्फ अपना फायदा नहीं, अपने कंज्यूमर्स का भी फायदा देखते हैं। ओ भाई, तो अपनी पढ़ाई अपने पास रख और मुझे मेरे हिसाब से काम करने दे। अम्मी आपको नजर आया चांद? नहीं बेटा। अरे अम्मी वो देखे, वो आ गया नजर चांद पे। अरे वो सामने जहाँ पे मेरी उंगलियां देखे। हाँ वो प्यारा है ना। चलो अच्छे से दुआ मांग लो, अल्लाह तुम्हारा भी नसीब अच्छा करे। हाँ या अल्लाह, सबके लिए खैर और बरकत के साथ ये रमजान आए, हम रोजे रख सके। परवरदिगार या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, चांद नजर आ गया क्या? वालेकुम अस्सलाम पापा, वो देखें वो रहा सामने चांद, आ गया नजर।
वालेकुम सलाम, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ भाई, आपको भी मुबारक हो। पहले चांद तो देखने दो, कहाँ पर? हाँ हाँ देखिए ना, मून है राइट साइड पे। हाँ, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आप जल्दी से जाके खजला फेर नहीं लिया? हाँ हाँ भाई, वो तो मैं ले आऊंगा। दानी कहाँ है? हाँ है भाई, पता नहीं, मैं तो मालूम काम वाम में लगे हुए होंगे। देख लेता हूँ जी। ठीक है, चलो आओ जल्दी से, तैयारी भी करनी है सैरी की। कुछ नहीं, बस अभी चांद देखकर आई थी। तुमने नहीं देखा चांद? नहीं, मैं तो अपने चांद से बात कर रहा हूँ ना। बताओ ना, क्या जरूरत है यार चांद देखने की? बस आप मार्केट का चक्कर लगा लो, अगर फ्रूट्स 3 गुना ज्यादा महंगे मिल रहे होंगे तो समझ लो कि शैतान कैद हो गया और उसके चेहरे आजाद हो गए। फ्रूट का बिजनेस तो आपका भी है जनाब। मेरा नहीं मैडम, मेरे फादर का। एक ही बात हुई। एक ही बात नहीं है ना, जो मेरा बिजनेस होगा ना वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। चलें देखते हैं। वैसे एक बात बताऊं, अब हमारी बहुत कम बात हुआ करेगी। क्यों, तुम भी कैद होने जा रही हो क्या? बताऊं, अभी रमजान में बहुत काम होते हैं हम लड़कियों को, आप लड़कों को तो बस सोना आता है, इसलिए समझा करें। मैंने पकाया। मैं रात में ही बनवा लिया था, चांद दिख गया था ना। वो दानी कहाँ है, उठा या नहीं? उठ गया है, ब्रश करके आ रहा है। 20 मिनट रह गए सारी खत्म होने में, पता नहीं रोजा रखेगा भी नहीं रखेगा। वैसे लगता तो नहीं है अबू। अरे तुम तो चुप हो जाओ, आप भी ना, रखेगा रोजा, क्यों नहीं रखेगा। लो आ गया, आ बेटा। सलाम दुआ? कुछ नहीं। सॉरी पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान आने के बाद तुम्हारा पहला रमजान है ये, तो वहाँ रमजान कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं चलता होगा, लेकिन मियाँ ये पाकिस्तान है, और भूलना नहीं कि तुम पाकिस्तान में ही हो जहाँ ये सब नहीं चलता, खुलेआम ना कुछ खा सकोगे ना पी सकोगे, तो बेहतर रोजा रख लो। अब वहाँ पर तुम रोजा पता नहीं रखते हो भी हो नहीं रखते हो। अच्छा ना पापा, आप इजाजत दे तो मैं कुछ सैरी कर लूँ। हम ये तो रोका किसने, खाओ। हाँ बेटा सैरी शुरू करो तुम, थोड़ा सा टाइम रह गया। हाँ भाई जल्दी जल्दी खाइए। आपको भी कोई मौका आज से जाने नहीं देते आप। अच्छा अम्मी बस भी करें, बताओ जरा सुबह सुबह शुरू होगा। ये क्या है, फेनी है खजला? फेनी फेनी, फेनी का ही कहा था। जी हेलो। हेलो, इकबाल साहब की वाइफ बात कर रही है? जी जी। इकबाल साहब का एक्सीडेंट हो गया है। जी क्या कह रहे हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कौन से हॉस्पिटल? जी जी, हम उनको हॉस्पिटल लेकर आ गए। अच्छा अच्छा सही है, आप लोग फौरन आ जाएं। सिद्रा दानियाल, सिद्रा दानियाल जल्दी आ बेटा। क्या हो गया? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मैं बैग लेकर आती हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं फौरन। नहीं नहीं नहीं, नहीं सिद्रा रुको रुको, मैं और अम्मी जाकर देखकर आते हैं, मैं अभी भी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। अम्मी आप तो रोना बंद करें, सब ठीक हो जाएगा। बेटा दुआ करो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे। जल्दी आ जा बेटा, आ जल्दी भाई। चलो चलें चलें चल। क्या वो सब खैरियत तो है, कोई खतरे की बात तो नहीं? जी कोई खतरे की बात नहीं है, उनको थोड़ी सी चोटें लगी है अंदरूनी, बाहर कोई चोट नहीं है, लेकिन उनको 20 से 25 दिन आराम की जरूरत है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी आप नहीं मिल सकते, थोड़ी देर में हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। ठीक 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 है, शुक्रिया।
आप परेशान ना हो, बैठे बैठे बैठे। बेटा तुम्हारे पापा का मोबाइल मुसलसल बज रहा है, इन दिनों उन्हें सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। पता नहीं ऑफिस में काम का क्या हाल है। कुछ नहीं होगा मम्मा, बस पापा का ख्याल रखें, ऑफिस के काम से बेफिक्र रहें। लाइए मोबाइल मुझे दे दे। जीते रहो बेटा। चले मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, मैं आपसे कॉल पर रابطے में रहूँगा। अच्छा बेटा, जल्दी आना बेटे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाए भैया। अरे मैंने कह दिया या इकबाल भाई ने कह दिया, एक ही बात है, माल हमारा गारंटीड है, बिल्कुल फ्रेश है, इसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जी जी वक्त पे पहुंच जाएगा। ठीक, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ दानियल बेटा, अच्छा आप आ गए। कैसी तबीयत है इकबाल भाई की? अभी तक होश तो नहीं आया, बस पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जब तक होश नहीं आ जाता तो कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत याबी दे। आमीन आमीन। काम की क्या सिचुएशन? अरे दानियाल बेटा, काम का तो इतना लोड है कि कल रात से मैं घर ही नहीं जा सका। इकबाल भाई होते थे तो मुझ पर लोड कम होता था। कमरा भाई, पूरे साल की कमाई हम इसे एक महीने में कर लेते हैं ना? 6 महीने की, समझ गया। बस तो फिर 6 महीने के बराबर ही काम करना पड़ेगा। क्या मतलब? अपनी बेल्ट टाइट कर लें कामरान भाई, हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। अरे आप टेंशन नहीं रहे, एक्स्ट्रा वर्किंग का ओवर टाइम भी मिलेगा। अच्छा जरा मुझे ये बताएं कि ये अकाउंट्स की डिटेल मुझे जरा समझ में नहीं आई, ये जरा मुझे समझाएं। जी, अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया। दानी कहाँ है? वो तो कल से ऑफिस में, सारा आपका काम संभाला हुआ उस बच्चे ने। अल्लाह का शुक्र है, दानी मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। देखो आलिया, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस आप आराम करें, ज्यादा बातें मत करें। कामरान भाई एक बात बताएं। जी पूछे। अगर पापा को ये सब पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? बेटा मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपके साथ साथ मुझे भी लपेट में ले लेंगे। मुझे अंदाजा है, मगर आप यकीन करें, अगर हम लोग इसी तरह काम करते रहे ना तो हमारे साथ बेशुमार लोगों का फायदा होगा। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, आप परेशान नहीं। अच्छा बेटा। अल्लाह अल्लाह, कौन है? असद है कोई, बहुत देर से कॉल कर रहा है। उसको भी शायद पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असद भाई?
वालेकुम अस्सलाम। क्या बताऊं इकबाल भाई, आपकी तबीयत का पता चला, अब कैसी तबीयत है? काफ़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, मार्केट का क्या हाल है? क्या बताएं इकबाल भाई, आप तो मज़े से अस्पताल में लेटे हुए, यहाँ आपके बेटे ने हम सबको अस्पताल पहुँचाने का बंदोबस्त कर दिया है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया? लो, आपको पता ही नहीं भाई, इससे बेहतर था आप कामरान को सारा काम संभाल लेते थे। आपके बेटे ने तो सारी मार्केट गंदी कर दी है, एन सीज़न के बीच में 50% रियायत में माल बेच रहा है। भाई माल नहीं बिक रहा था तो हमसे कहा होता, हम खरीद लेते। इस तरह आधी कीमत में माल बेचकर मार्केट क्यों गंदी कर रहे हो यार? क्या हो गया, खैरियत तो है? तुम्हारे बेटे ने वही किया जिसका डर था। इतनी बार समझाया लेकिन कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हारे बेटे को। हेलो पापा। हेलो, क्या हुआ दानियाल बेटा? कुछ नहीं कामरान भाई, मैं आप जरा काम करें, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया आपको? सिद्रा, सिद्रा बेटा जल्दी आ, सिद्रा बेटा जल्दी से आ, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हो रहा है। देखो क्या हो गया, देखो देखो क्या हो रहा है, देखो मैं कॉल करती हूँ। जा बेटा जल्दी जा। हाँ मैं जा रही हूँ। क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ मम्मा, कहाँ है पापा? सो रहे हैं, अभी डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया। सब ठीक तो है ना? अल्लाह पाक ने बहुत करम कर दिया, लेकिन दानियार अगर आज तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करती। क्यों मम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुमने ऑफिस में क्या कारनामा अंजाम दिया? मम्मा ट्रस्ट मी, देखिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं जिसकी वजह से आप लोगों से नजरें ना मिला सकूं। मेरा यकीन करें, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। लेकिन इस बात का यकीन तुम्हारे पापा को कौन दिलाएगा? उठ गए आप, कैसी तबीयत है अब आपकी? मोबाइल देना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते ना, आप मोबाइल पे किसी से बात नहीं करेंगे और किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कैसे ले लूं टेंशन? अरे बड़ी मुश्किल से जमाया है ये कारोबार मैंने, उसे अपने बेटे के कदमों की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करें, उसे एक मौका तो दें काम करने का। देख लीजिएगा, आपको एक दिन उस पर फकर होगा, उसको उसके हिसाब से काम तो करने दीजिए। सब बर्बाद कर देगा बेगम। कुछ बर्बाद नहीं होगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, आप किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लें। देखें प्लीज, आपको मेरी कसम डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, आप जाने तो जाने, अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप सलामत रहेंगे तो बिजनेस दोबारा से जम जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना अरे भाई सुन तो मत रो ना। अच्छा भाई, जैसा तुम कहोगी ना वैसे ही करो। अब तो खुश कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? तुम्हारे कहने का मतलब है कि कारोबार मेरा है, यानी मेरा? हाँ तुम्हारा भाई, तुमने ही तो कहा था ना, जो बिजनेस मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा वो मेरा बिजनेस होगा। और अब तो तुम अपने हिसाब से ही चला रहे हो बिजनेस, तो हुआ ना तुम्हारा? अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा चल रहा है।
अच्छा, तुम्हारे पापा का गुस्सा कुछ कम हुआ? हाँ, उन्हें मम्मा ने संभाल लिया। हाँ पापा, आज आराम से, आराम से, आराम से आ जाओ। अल्लाह, बस चलो, शुक्र है डॉक्टर के आने जाने से तो जान छूटी। ये रमजान तो सारा का सारा बिस्तर पे ही गुजर गया। अल्लाह ने आप पर बड़ा रहम कर दिया। चले, अगला रमजान अपने हिसाब से गुजार लीजिएगा। हाँ बेटा, लाए अब तो मेरा मोबाइल दे दीजिए भाई। वेरी गुड भाई, ऑफ करके रखा। डोंट यू वरी पापा, सब रास्ते में है मेरे। माल भेज दिया? आप जी, सब बिक गया, बस दो ट्रक रहते हैं। जो माल मैंने मंगवाया था वो कितने का बेचा? आप एक मिनट पापा। वो ऑन करते ही मैसेजेस आने शुरू हो गए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो बेटा। आज फाइल में खास तौर पर आपके लिए घर पर ही ले आया था। क्या है ये, क्या है ये? सिर्फ 1,18,00,000 का प्रॉफिट? अरे 4 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था मेरा, ये तो 1,25,00,000 भी नहीं है। तो अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहां से। अरे सारा साल इंतजार करता हूं मैं इस महीने का, जिसे तुमने अपनी ना तुझे बेकारी की नजर कर दिया। बैठे क्या मुंह देख रहे हो, दफा हो जाओ। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? आप चुप रहिए। आपके लाड प्यार ने इसे इतना खुद सर बना दिया है कि मेरे मना करने के बावजूद इसने अपनी मनमानी की। बैठे मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ। अरे जब पाई पाई के लिए मोहताज होगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। दानियाल, दानियाल बेटा, अरे बात तो सुनो मेरी। दानी बेटा, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? पैकिंग कर रहा हूँ मम्मा। अरे पागलपना छोड़ो, तुम्हारे पापा भी बहुत गुस्से में, थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुमसे कह रही हूँ ना दानियाल। अरे पापा, आप देखें तो सही, भाई ने तो कमाल कर दिया है। बेटा अभी कोई फालतू बात नहीं, प्लीज। पापा आप मेरी बात तो सुने, आप ये देखें, भाई ने तो कमाल ही कर दिया है। देखें आप, ये देखें आप, आपने जो माल पूरे महीने के हिसाब से मंगाया था, भाई ने वो सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा माल कैश पर सेल किया है। उसके अलावा भाई ने 6 बार नया माल मंगाया है और मार्केट में सबसे कम रेट पर सेल किया। पापा आप जो पूरे महीने का प्रॉफिट समझ रहे थे, वो पूरे महीने की सेल्स का प्रॉफिट नहीं है। पूरे महीने की सेल्स का प्रॉफिट तो 6,32,00,000 कमा कर दिया है भाई ने। देखो बेटा, तुम पागल मत बनो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम गुस्से में हो ना अभी, बैठ जाओ, तुम्हारे पापा भी गुस्से में। देखो मेरी बात सुन लो बेटा, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात बेटा? या अल्लाह दानियाल बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। आपने फजूल में ही भाई को इतना डांट दिया। दानी बेटा, बेटा रुक जाओ बेटा। भाई रुके, कहाँ जा रहे? तो उसके घर। इधर आओ।
गलत साबित कर दिया जी। सॉरी। थप्पड़ के लिए सॉरी बेटा। 6,32,00,000 का फायदा कैसे कर दिया यार तूने? अरे यार, हर साल हमारा 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट तो मार्केट में फंस जाता और उसे रिकवर करने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे, लेकिन इस बार तो 1 पैसे का उधार नहीं। पापा, फायदा वो जो सबको। अब देखे ना, हमें पहले से कहीं ज्यादा फायदा हुआ और हमारे कंज्यूमर्स को भी माल आधी कीमत में मिला, जिसका फायदा डायरेक्ट आवाम को हुआ। और जो चीज हमारी वजह से 120 रुपए में मिलती थी, अब वो आवाम को सिर्फ 60 रुपए में मिल गई। I am proud of you, my son. आज मैं पहली बार गलत साबित होने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। आज मैं हार कर दीजिए बेगम, आपके लाड प्यार ने इसे बाकी बहुत काबिल बना दिया। चलें अब अंदर चल के थोड़ा आराम कर लें, आप बहुत थक गए होंगे। थैंक्स फॉर टीचिंग मी। वो फायदा ही क्या जिसमें सिर्फ अपना फायदा हो? असल फायदा तो दूसरों का फायदा सोचने में। आई लव यू टू। जूस पिलाइए मुझे। जी जी। ये लीजिए।